शोरबा बनाने के लिए ले लेते हैं सबसे पहले एक पैन, उसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ने हीट ले ली है, यहाँ पर ऐड कर देंगे हम होल जीरा, साथ ही ऐड करेंगे एक टेबलस्पून चॉप गार्लिक, लाइट ब्राउन हो गया है गार्लिक, अब यहाँ ऐड कर देंगे हम चॉप्ड अनियन। यहाँ अनियन को सॉटे करेंगे हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक। यहाँ पर लाइट ब्राउन हो गए हैं अनियन, डालेंगे 1 टीस्पून चॉप जिंजर, यहाँ ऐड करेंगे बॉइल्ड चना दाल, यहाँ ऐड करेंगे बॉइल्ड सोया ग्रैनुल्स, यहाँ डालेंगे सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, ऐड करेंगे 1 से 2 पिंच सिनेमन पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून कलर के लिए कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून अनारदाना पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/4 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, करेंगे स्टर, फिर भूनेंगे अच्छे से मिक्सचर को। तो ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे कुक करते हुए अपने इस मिक्सचर को। चलिए गैस करते हैं बंद और मिक्सचर को करेंगे ठंडा। चलिए मिक्सचर ठंडा हो चुका है, करेंगे अब इसे ग्राइंड। यहाँ मिक्सचर को ट्रांसफर करेंगे एक बोल में। ऐड करते हैं अब इसमें ग्रीन चिली, धनिया, स्क्वीज करेंगे लेमन। चलिए मिक्सचर को अच्छे से करते हैं अब मिक्स। अगर आप चाहें तो यहाँ एक बॉइल्ड पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ डालेंगे 2 टेबलस्पून रोस्टेड ग्राम फ्लावर, चलिए यहाँ पर शेप देते हैं मिक्सचर को। अगर मिक्सचर ड्राई लग रहा हो तो करें वाटर स्प्रिंकल। यहाँ करेंगे चीज स्टफ, ये लिया चीज और ये डाला इसके अंदर और डाला थोड़ा सा चीज, और इसी तरह आप अपने सारे के सारे कबाब बनाकर रख लें। चलिए अब सेकते हैं कबाब। यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ने हीट ले ली है, कुक करें कबाब को दोनों साइड क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक।